हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोग इसके पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट वन हम लोगों ने कवर किया था और उसमें लगभग सारे ही बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो मैंने बता दिए थे, ठीक है। तो ये जो है ये पार्ट टू है, बस जो थोड़ा सा बचा हुआ था स्टैंडर्ड नाइन्थ के लिए, स्पेशली जो थोड़ा सा बचा हुआ था उसको हम लोग इसमें कम्प्लीट करेंगे, ओके। तो क्या है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले इसको ध्यान में देंगे कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ चुका था। हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस होता है जिसको वाई एक्सिस कहते हैं, है ना। और उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, और उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी पॉइंट का लोकेशन ढूंढते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसको कहते थे, वाई एक्सिस से जो दूरी होती थी उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते थे, जबकि एक्स एक्सिस से जितनी दूरी होती थी, एक्स एक्सिस से जितनी दूरी होती थी वो होता था हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पर निर्भर करता था कि इस एक्सिस से वो कितनी दूर पर है। तो अब बात आ जाता है कि यहाँ पे क्वाड्रेंट भी हम लोग पढ़े थे कि क्वाड्रेंट चार क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हर पॉइंट जो है वो कोई ना कोई क्वाड्रेंट पे लाई करता था। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि अगर पॉइंट जो है वो किसी एक्सिस पे ही रहे तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा दैट एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डू नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में हो या फिर वाई एक्सिस में हो तो वो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, ठीक है। तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई, अब खुद ही देखेंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है, देन हम लोग क्या जानते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होता है, वाई एक्सिस से दूरी। वाई एक्सिस यहाँ पर है, इससे कितनी दूर पर है, ये सिक्स पॉइंट पर, छह पॉइंट पर। तो इस पॉइंट का सपोज करते हैं ये पॉइंट पी है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सिक्स हो गया, लेकिन ये क्या एक्स एक्सिस से दूरी पर है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक्स एक्सिस पर ही है तो दूर तो नहीं है एक्स एक्सिस से, इसीलिए इसका पॉइंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट रह रहा है, बाकी वाई कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो जा रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग कुछ ऐसा पॉइंट प्लॉट करते हैं, यहाँ पे सपोज क्यू पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या देखा जाता है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस से दूरी पर है क्या, नहीं है, वो तो वाई एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। तो वाई एक्सिस पर ही जब लाई कर रहा हो तो एक्स तो जीरो हो गया, सो ये जीरो। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x एक्सिस से दूरी पर, तो x एक्सिस यहां से है, x एक्सिस से ये कितनी दूर पर है, 5 यूनिट्स की दूरी पर है, तो ये कितना हो जा रहा है, 0 5। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, देन एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस। कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस में होता है वो एक्स एक्सिस से तो जीरो यूनिट की दूरी पर होता है, इसीलिए उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, जीरो। क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट किस कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस से कितनी दूर है उससे वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो एक्स एक्सिस से तो जरा भी दूर नहीं है, जीरो यूनिट की दूरी पर है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। दस कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और इसी तरह से एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालें तो वो कितना हो जाता है, x, 0, मतलब सिर्फ x का वैल्यू वहां पे रह जाता है। देन यहां पे जैसे ये पॉइंट था तो 6, 0 हो गया, यहां देते तो 5, 0 होता, यहां आता तो 4, 0 होता। तो इस तरह से y कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब इसी तरह से देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, जो भी पॉइंट y एक्सिस में होता है इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस, क्योंकि वो तो खुद ही y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो y एक्सिस से दूर तो है नहीं, सो x कोऑर्डिनेट इज 0। तो y एक्सिस से जो दूरी होती है वो x कोऑर्डिनेट बनता है, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, वो 0 हो जाता है। दस कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, y। अब यहां पे बोलेंगे सर y, 0 क्यों नहीं लिखे, तो एक रूल है कि पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है उसके बाद जो है वो y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है और y। अब जैसे यहां पे हम लोग देख रहे हैं इस पॉइंट का वैल्यू कितना आ गया, 0, 5।
सिमिलरली इसका कितना आता है 0.4, इसका 0.3, यहाँ -2, देन 0.-4। तो पहला जो है वाई एक्सिस पे जब भी रहेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको पिछले वीडियो में भी बताई गई थी कि एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट ऑफ रेस्पेक्टिव पॉइंट, जो पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं उसके लिए। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं उस पॉइंट का, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं उसी पॉइंट का। अब आ जाते हैं हम लोग कि ग्राफ कैसे बनाया जाए। तो ये क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस पर, इन शॉर्ट इतना बात याद रखेंगे कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट हो तो वहां वाई जीरो हो जाता है, अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो वहां एक्स जीरो हो जाता है। ठीक है, जिस एक्सिस पर है उसका वैल्यू तो है, बाकी दूसरे वाले का वैल्यू नहीं है। एक्स एक्सिस में है तो एक्स का तो वैल्यू होगा, वाई का नहीं होगा। वाई एक्सिस पर है तो वाई का वैल्यू होगा, एक्स का नहीं होगा। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग इस पे ग्राफ पे, ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, देन एक ग्राफ बनाने को कहा गया, फॉर एग्जांपल दैट ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। y जो है वो कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 2 है, देन y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो हम लोग अपने मन से क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, x एंड y, यहां पे हम लोग कोशिश करते हैं कि दो तीन पॉइंट लेने का। ठीक है, जिसमें एक पॉइंट जीरो में ले लेते हैं, एक पॉइंट नेगेटिव में ले लेते हैं, एक पॉइंट पॉजिटिव में लेना है। तो देखते हैं ऐसे दो पॉइंट भी लेते हैं तो हमारा ग्राफ बन जाता है। तो अब देखते हैं यहां पे y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, y डिपेंडेंट है x पर, मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू हम लोग अपने मन से कुछ भी ले लें। तो x का वैल्यू हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, सपोज x इज इक्वल टू 0, अगर हम लोग x का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो खुद ही सोच के देखिए कि y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, 3 इंटू 0 ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 2 तो x, y कितना हो जाएगा 2, y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2, वो y की जगह पे पुट कर देंगे। ओके, नाउ x की वैल्यू अगर हम लोग ऐसा करते हैं 1 ले लेते हैं, सपोज x का वैल्यू हम लोग कितना करते हैं 1 पुट करते हैं, देन x का वैल्यू 1 पुट किया हमने, देन 3 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 3 एंड प्लस 2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5। सो ये अगर 1 लिया जा रहा है तो ये कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। ओके, नाउ एक हम लोग कोशिश करते हैं -1 लेने की, अगर -1 लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू -1 -3 एंड प्लस 2, -3 प्लस 2 ये भी कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। तो यहां पर दोनों ही -1 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोगों को तीन पॉइंट मिला है कि x 0 जब होगा तो उस तक y कितना होगा, y का वैल्यू 2 होगा, x जब 1 होगा तो y का वैल्यू 5 होगा, x जब -1 होगा तो y भी -1 ही होगा। ओके, अब इन पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट, x और y कोऑर्डिनेट, x एंड y, देन पहली बार x जब 0 है तो y 2 है, x जब 0 है तो y कितना है 2 है। तो इसको हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं और ऐसे हम लोग को एक गोल घेरा लगा देना चाहिए। ओके, देन x जब 1 है तो y 5 है, x जब 1 है तो y कितना है, y का वैल्यू जो है वो कितना है, दैट इज 5। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट हो गया, x जब -1 है तो y भी -1 है, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1 कहां पर है, इस जगह पर है, तो हम लोग यहां पे भी इसको लगा देते हैं। अब जब तीनों पॉइंट आ गया तो बस अब हमारा काम बनता है कि तीनों को ही आप क्या करें, आप मिला लें। तो तीनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये एक इस प्रकार का ग्राफ बनता है। ठीक है, जो किस लाइन का ग्राफ होता है, 3x प्लस 2, सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का ये ग्राफ है, जिसमें ये पहला पॉइंट ये वाला था जिसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू था 0.2।
एक्स जीरो वाई टू। दूसरा पॉइंट जो था वो ये वाला था जिसका वैल्यू कितना था 1.5, एक्स जो है वो 1 था, वाई का वैल्यू कितना था वो 5 था। तीसरा जो है वो ये पॉइंट था जहां पे दोनों ही कितने थे, दोनों ही -1 और -1 थे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक किसी एक का वैल्यू जो है एक्स का वैल्यू खुद से पुट करते हैं और वाई का वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। कोशिश करना चाहिए हमेशा ये वैल्यू जो है वो छोटे छोटे नंबर्स में लेने का, ताकि हमारा ग्राफ जो है वो सिंपली बने। और ये भी कोशिश करना चाहिए कि एक वैल्यू जीरो में लें, एक वैल्यू पॉजिटिव में लें और दूसरा वैल्यू निगेटिव में लें। इससे हमारा ग्राफ जो है वो सभी एरिया को कवर करता है। ओके बच्चों, तो ये तरीका हुआ हम लोगों का ग्राफ फाइंड करने का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, दैट इज एक्स कॉमा जीरो, मतलब वहां एक्स का वैल्यू तो होगा पर वाई का नहीं होगा। वाई कोऑर्डिनेट पे क्या होगा, वहां एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा वाई, क्योंकि एक्स जीरो है वाई का वैल्यू सिर्फ रहेगा। एक्स को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, वाई को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। और इस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। कैसे नहीं बना सकते हैं कि एक डिपेंडेंट होता है, ये वाई जो है वो डिपेंडेंट होता है एक्स पे, तो एक्स का वैल्यू हम लोग खुद से लेते हैं और वाई का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं उस इक्वेशन से, ठीक है। और फिर हम लोग इसको ग्राफिकली क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि स्टैंडर्ड 9th के लिए इतना काफ़ी है, आप आराम से अब ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। और अगर ये पसंद आए, समझ में आए, तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जहाँ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। थैंक यू।